ये एक स्मार्टफोन कंट्रोल कार है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये है एच ब्रिज मोटर ड्राइवर मॉड्यूल, जिसका नाम है L2 9810 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। और ये आपका पावर सप्लाई है, जिसके द्वारा सप्लाई होता है। और ये है नोड MCU, जिसमें कि इंटीग्रेटेड ESP2866 वाईफाई, जिससे हम सिग्नल भेजते हैं, ये रिसीव करता है। तो ये देता है आउटपुट, जो कि इनपुट आता है आपके नोड MCU में, और आप देख रहे हो जैसा कि। और ये है बैटरी, जिससे कि इनपुट जाता है इसमें। और ये आपका पावर ऑन ऑफ का स्विच है। तो चलिए अब ऑन करते हैं अपने इस कार को। यहाँ बटन दिख रहा है आपको, ये ऑन हो गया। देख रहे हैं आपकी ये लाइट्स जलने लगी हैं। अब आपको अपना फ़ोन लेना है, जैसा कि दिख रहा है। इसके सेटिंग्स में जाना है, नेटवर्क एंड वाईफाई इंटरनेट ऑन करना है। मेरे में दिखाएगा नोवा शोर, और मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्टेड हो गया है ऑटोमेटिकली। अब मेरे पास एक ऐप है, तो ये है आपका ऐप नोड MCU, जिसके द्वारा आप सिग्नल भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। तो फ़ोन ही यहाँ ट्रांसमिटर का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन करते हैं, चलिए अब देखते हैं कैसे कंट्रोल होगा कार। और ये स्पीड कंट्रोल है, यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। और ये डायरेक्शनल कंट्रोल है, देख गया। और ये लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट। करना है